सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, आज हम अ लेटर टू गॉड के अंतर्गत 2022 और 23 में जो भी आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहीं से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। 2023 में इसे 817D के क्वेश्चन पेपर कोड में पूछा गया है। आप आंसर लिखेंगे, बीइंग अ स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान होते हुए लेंचो वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड। लेंचो अपने खेत की फसल पर पूर्ण रूप से निर्भर था। वंस, एक बार अ हैवी डाउनपोर अकर्ड, एक बार तेज वर्षा हुई, एंड अलोंग विद इट, और इस वर्षा के साथ साथ हेल स्टोन्स आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग, यानी कि ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द फील्ड टर्न्ड वाइट, यानी कि खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो इट हैड हिम कवर्ड विद साल्ट ऑल ओवर, मानो इसे लेंचो के द्वारा पूर्ण रूप से नमक से ढक दिया गया हो। दिस एनुअल क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और ओलों के कारण इस वर्ष की जो वार्षिक फसल थी वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। आगे आप लिखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इवन देयर वॉज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, और यहाँ तक कि पौधों पर भी एक भी फूल शेष नहीं बचा था। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, संपूर्ण घाटी में उसकी समस्या में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। बीइंग अ फर्म बिलीवर इन गॉड, ईश्वर में एक दृढ़ संकल्प रखने वाला होते हुए, ही टर्न्ड टू द ऑलमाइटी फॉर द हेल्प, वह ईश्वर की मदद के लिए मुड़ा। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू सेंड द 100 पीजॉज भेजने के लिए, सो दैट, ताकि ही माइट सो, वह बो सके, हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को पुनः, टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, और तब तक फसल नहीं आ जाती है। ही हैड अ बिलीफ, उसका एक विश्वास था, दैट कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड। ही हैड अ बिलीफ, उसका एक विश्वास था, दैट कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, कि भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे विद द मनी, धन के साथ, सो इसीलिए ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि ब्रिंग आउट, बाहर लाइए, लेंचोज इमेंस फेथ, यानी कि लेंचो के अपार विश्वास को इन गॉड, यानी कि ईश्वर में। आपको इमेंस की जगह पर अगर द डीपेस्ट भी दे दे तो आपका यही क्वेश्चन है, और 2022 में ये AL और AM सेट में पूछा गया है। तो बहुत आसान शब्दों में इसका आंसर रहेगा दोस्तों, लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप, लेंचो अपनी फसल के लिए कुछ बारिश चाहता था। एंड द राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल स्टूड, खड़ी थी, प्राउड इन द फील्ड, यानी कि गर्वपूर्वक खेत में। एंड प्रोमिस्ड, और वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। रेन कम, वर्षा आई, एज ही प्रेडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की। वट टर्न्ड टू हेल, लेकिन यह ओलों में बदल गई। एंड रुइंड हिज क्रॉप, और उसकी फसल को नष्ट कर दिया। लेंचोज हर्ट, लेंचो का हृदय वॉज फिल्ड विद सोरो, दुख से भर गया था। वट ही डूड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं खोया। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीजॉज, लिख लेना, वह मिसप्रिंट हो गया है, और उसने 100 पीजॉज भेजने के लिए ईश्वर से निवेदन करते हुए एक पत्र लिखा।
सो दैट ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगैन, ताकि वह अपने खेतों को पुनः बो सके। द पोस्ट मास्टर रीड हिज लेटर, जो पोस्ट मास्टर था रेड आप कह सकते हैं, उसने उसके पत्र को पढ़ा। एड्रेस्ड, जो पते पर था टू गॉड, ईश्वर के। एंड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, और ईश्वर में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे धन मांगा। एंड ही आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। ऑब्लाइज्ड हिज फ्रेंड्स टू हेल्प, और अपने मित्रों को मदद करने के लिए प्रेरित किया। एंड देन, और तभी सेंट हिम मनी, तभी उसने लेंचो के लिए धन भेजा। लेंचो कुड नॉट बिलीव, लेंचो को विश्वास नहीं था या नहीं हो सका दैट कि गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक, कि भगवान एक ऐसी गलती कर नहीं सकते। एंड रॉट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, और उसने शेष धन को मांगते हुए भगवान को पुनः धन भेजने के लिए एक पत्र लिखा। बट लेकिन नॉट थ्रो द मेल, इस बार उसने डाक के द्वारा भेजने के लिए नहीं कहा। एज, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था दैट कि द पोस्टल एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रोक्स, कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वे एक बेईमानों का झुंड हैं। तो इस प्रकार से आप उसके जो भगवान में विश्वास है उसे उजागर कर सकते हैं। आप चाहें तो लास्ट में जोड़ सकते हैं इसी बात को कि इन दिस वे, इस प्रकार से, क्या लिखा था, एक मिनट रुकिए, इन दिस वे यानी कि इस प्रकार से वी ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, इस लाइन को आप अंत में लिख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हरेश क्लासेज।